नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रिश आपका फिर से स्वागत करता हूं एडवोकेट अंग्रिश में। दोस्तों, आज की ये वीडियो मैं लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पर लेकर आया हूं। मुझे बहुत से लोगों ने मैसेज किया कि मैं उन्हें शराब के ठेके से जुड़ी कुछ जानकारी दूं कि आखिरकार उन्हें कैसे खोलना है। दोस्तों, शराब का बिजनेस एक अच्छा बिजनेस माना जाता है। इसमें अगर आपको सही लोकेशन मिले तो आप हर महीने लाखों कमा सकते हैं। इस बिजनेस के लिए आपका अनुभवी भी होना बेहद जरूरी है। दोस्तों, अनुभव के साथ साथ आपके पास अच्छा पैसा भी होना बेहद जरूरी है। दोस्तों, शराब की ठेकेदारी में आमदनी तो बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपको शराब की ठेकेदारी से संबंधित कुछ बातें मैं आज आपको इस वीडियो में जरूर बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि दुकानें जो शराब की होती हैं वो किस किस प्रकार की होती हैं। दोस्तों, दुकान का प्रकार उसमें बिकने वाली शराब के अनुसार तय होता है। विभाग द्वारा दी गई लोकेशन पर आपको दुकान किराए पर या फिर अपनी खरीदनी होती है। आप दुकान को लीज पर भी ले सकते हैं। दुकान का अनुबंध 1 साल का किया जाता है, क्योंकि अगर आपको अगले साल दुकान लॉटरी में नहीं मिलती तो आपको वहाँ शराब बेचने की अनुमति नहीं होगी। दुकान के सुरक्षा और जरूरी मानक आपको पूरे करने होंगे, जो कि आबकारी विभाग से आपको अनुबंध की शर्तों में बताए जाते हैं। शराब के दुकान में अनुबंध आबकारी विभाग और ठेकेदार के मध्य होते हैं। मुख्य रूप से दुकानों को 3 या 4 कैटेगरी में बांटा जाता है और ये कुछ इस प्रकार से होते हैं। जैसे देशी शराब की दुकान, अंग्रेजी शराब की दुकान, वाइन की दुकान और मॉडल शॉप। अब दोस्तों बात आते हैं कि आप इनके लिए कैसे अप्लाई करें। दोस्तों, शराब की दुकान के लिए अलग अलग राज्य सरकार के नियम अलग अलग होते हैं, लेकिन ज़्यादातर राज्यों में एक ही तरह के पेपर मांगे जाते हैं। कुछ राज्यों में अब ऑनलाइन भी अप्लाई होने लगा है तो कुछ राज्यों में अभी तक ऑफलाइन अप्लाई होता है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको कुछ ज़रूरी पेपर होने चाहिए, जिनके बारे में वीडियो में मैं आपको आगे बताऊँगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको आबकारी विभाग या फिर एक्साइज डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में आपसे आपकी बेसिक जानकारी जैसे कि आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर आदि मांगे जाएंगे। ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की तय सीमा के अंदर ही होंगे। दोस्तों, शराब की दुकानों की एडवर्टीजमेंट समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जाती है। इसमें टेंडर की डेट, धरोहर राशि, टेंडर फीस व दुकान का विवरण दिया गया होता है। दुकान डालने से पहले आप विज्ञप्ति को ठीक से पढ़ लें और समझ लें। ये जानकारी जिलाधिकारी के द्वारा निकाली जाती है। इसमें बेसिक लाइसेंस की फीस, प्रोसेसिंग फीस और लगाने वाला GST की कुल वैल्यू, आपको किस बैंक खाते या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जाना है, वो सब इसी के अंदर दिया गया होता है। दोस्तों, भी इसके बाद बात आती है कि आपको अगर शराब की दुकान करनी है तो आपके पास कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, जो आपके पास जरूरी होता है वो होता है चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसके बाद आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न, पासपोर्ट साइज फोटो, अनुभव का प्रमाण पत्र यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक आपका हैसियत का प्रमाण पत्र यानी कि आप उस शॉप को करने के लिए काबिल हो। दोस्तों, इसमें आखिर में बात आती है कि शराब की दुकान करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए होता है। दोस्तों, अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो आपके लिए शराब की दुकान लेने में कोई ज्यादा कठिनाइयां नहीं होगी। इसमें दुकान की कीमत, उसमें होने वाली बिक्री और दुकान के स्थान के अनुसार जरूरत होती है। अगर आप एक अच्छी दुकान चाहते हैं तो कम से कम आपको 20 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी ही होगी, लेकिन अगर आप किसी सुदूर क्षेत्र के दुकान का ठेका लेते हैं तो आपको 5 लाख तक की आवश्यकता होती है। इस पैसे के अलावा आपको विभाग की सरकारी फीस और धरोहर राशि अलग से देनी होगी। ये राशि दुकान में पिछले साल में हुई बिक्री के अनुसार होती है। सभी दुकान लॉटरी के माध्यम से ही दोस्तों निकाली जाती है। आप इस चीज का अच्छे से ध्यान रखें। दोस्तों, बस यही कुछ वो बेसिक जानकारी थी जो शराब की दुकान को खोलने से जुड़ी हुई है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है,
और हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इसी प्रकार की कानूनी जानकारी रोजाना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।